बोल फ्रंट, क्योंकि फ्रंट ही हर बैग में अलग अलग रहता है, बाकी बैग सबका सेम ही रहता है। तो आज मैं इस बैग को यहाँ से यहाँ तक कटिंग करता हूँ। तो चलिए इसको सेट करते हैं। सबसे पहले आप 14x10.5 इंच का एक टुकड़ा ले लीजिएगा। उसके बाद 20 से एक फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर एक कट लगा लेना है। ये हो गया। तो हमने एक फर्मा बना रखा है पहले से, एक फर्मा लेना है, ये वाला फर्मा ये ले लेना है, और ये कट और ये कट मिला करके, इसको ऐसे मिला करके एक गोल ऐसा निशान लगा लेना है। ये हो गया। उसके बाद इस तरह का एक फर्मा मैंने बना रखा हूँ और उसको यहाँ से मिला करके इसमें भी एक निशान ऐसे लगा लेना है। दोनों साइड लगा लेना है, इधर भी और उधर भी। आज मैं आपको केवल ब्लैक में बनाकर दिखलाने वाला हूँ। टेक्निक कलर नहीं बनाना, ब्लैक में बनाना है। कोई भी एक कलर बनाना है तो आप एक कलर का टुकड़ा ले लीजिए, अगर टेक्निक में बनाना है तो आप दो दो कलर का ले लीजिए। तो आज हम सिंगल कलर बनाने वाला है, केवल ब्लैक में। निशान मार लिया हूँ, ठीक, इसको काट लेते हैं। ये हमारा पैकेट कट गया है। अब ये वाला गला काटना है और ये वाला गला काटना है। इस गला काटने के लिए एक इस तरह से टुकड़ा ले लिया हूँ, इसको डबल करके काटना है, सिंगल नहीं, ये डबल करके काटना है, क्योंकि इसमें गला जुटेगा। तो आप इस तरह से एक ले लीजिए छोटा गला का, उसके बाद एक बड़ा गला का ले लीजिए और उसको इस तरह से रख करके एक निशान लगा लीजिए। ये हो गया। इसको भी उसी तरह से काट लीजिए। ये बड़ा वाला गला हो गया। ये छोटा वाला गला हो गया। रुको, ये हमारा कट गया यहाँ से यहाँ तक, ये भी कट गया, ये भी कट गया। उसका बाद ये काटना है। इसको काटने के लिए आप इसको चार इंची काट लीजिए। इसको आप काट लीजिए 4x9.5। तो चलिए इसको 4x9.5 इंची काट लेता हूँ। ये भी हमारा हो गया। अब ये वाला पट्टी काटना है। ये वाला पट्टी काटने के लिए पैकेट हमारा है 13.5x13.5x3.5 इंची का, इसे भी काट लेना है। तो इसको 13.5x6.5 इंची का लीजिए ऐसे। और 3.5 इंची। अब इसको हल्का हल्का गहरा कर लीजिए। गहरा करने के लिए आपको पिछले वीडियो में बताए थे, उसको यहाँ से फोल्ड लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे गहरा कर लीजिए। अब जहाँ तक निशान है वहाँ तक छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ फोल्ड करके उसी हिसाब से इसको काट दीजिए। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और ये वाला काटने के लिए 5x4 इंची का एक ले लीजिएगा टुकड़ा। बंद कर, ये वाला कोना 5x5 का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसके बाद 20 से इसको फोल्ड करके इस तरह से काट लेना है। तो हमारा सारा कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं मशीन में। तो सबसे पहले इस बैग का गला को ले लेना है। ये छोटा वाला गला है और ये बड़ा वाला गला है। तो गला को पहले, ये एक स्टिचिंग देख रहे हैं आप, इसी को मैं एक सिलाई कर लेता हूँ।
ये आ गया, ये बड़ा वाला गला आ गया, इसको मैं एक सिलाई कर लेता हूँ। और ये छोटा वाला गला है, इसको भी उसी तरह से एक सिलाई कर लेता हूँ। बड़ा वाला गला को ऊपर से भी एक सिलाई होगा, छोटा वाला गला में नहीं होगा। ये वाला पॉकेट में ये वाला डी मैं लगा लेता हूँ इस तरह से, ये डी और ये नवार लेकर के इसमें फंसा लेता हूँ। और इसी तरह से एक ये वाला पट्टी है, इसमें भी एक डी फंसा लेता हूँ। इसको साइड करते हैं और इसमें एक डी सील लेते हैं। ये डिज़ाइन के लिए डी दिया जा रहा है। ये हो गया, उसी तरह से इसमें भी एक डी एक नवार लेकर के 3 इंची का सील लेना है। ये भी हो गया। उसके बाद ये कोना आपको यहाँ पे ऐसे करके सिल लेना है, तो मैं इसे भी सिल लेता हूँ। इसमें सिलने से पहले आप ऑयल लगा दो ताकि के सिलाई में आपको तकलीफ नहीं होगा। ये हो गया, उसके बाद इसको उल्टा करके इसमें एक सिलाई और मार देना है। ये हमारा छोटा वाला पैकेट में डिज़ाइन बन गया। ये हो गया, ये हो गया। अब आप इस गला ले लीजिए, छोटा गला ले लीजिए, बड़ा गला ले लीजिए। गला में चैन लगा लेना है, कपड़ा नीचे और चैन ऊपर। चैन को टान के रखना है और कपड़ा को छोड़ के रखना है। तो मैं चैन लगा लेता हूँ, छोटा वाला में बड़ा वाला में दोनों में एक चैन लगा लेना है। ये सिलाई को कवर करने के लिए चाइना पेपिन से कवर कर लेना है। आप चाहे तो नेट वाला से भी कर सकते हो, बट हम चाइना वाला से करते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा मजबूती हो जाता है। ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। अब बीट का काम है। बीट सबसे पहले कवरिंग बना लेते हैं। लम्बा काट लीजिएगा और ये इस तरह से एक वाट लेकर के इसमें कवर कर लीजिएगा। तो हम कवर कर लेते हैं। में राउंड से बीट मार लेना है। बीट मारने से पहले आपको हर बार की तरह इस बार भी बताने वाला हूं कि इसको यहां पर काट दीजिएगा। काटने से आपको ही फायदा होगा और मुझे ही फायदा होगा, क्योंकि जो भी बनाएगा उसको फायदा होगा। तो मैं इसको यहां से काट लिया हूं। इसी तरह से काट के इसमें स्टिच कर लेना है। पुश करते ओके। इसमें बीट लग गया, इसमें भी दोनों साइड बीट मार देना, इधर बीट मार देना, इधर बीट मार देना है। तो इसको मैं बीट मार देता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही बारीकी काम है। पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। दोनों साइड बीट लगा लेना है। इसमें बीट लग गया। इसमें बीट लगाने के बाद ये पट्टी इसमें जोड़ लेना है, ये पट्टी ये साइड जोड़ लेना है। ऐसे करके आप नीचे बराबर करके जोड़िएगा, ऊपर जितना बढ़ेगा बढ़ा लीजिएगा। ऑयल लगा लीजिएगा। ऑयल लगाने से क्या होता है, सिलाई फिनिशिंग होता है। एक स्लाइडर हो गया, उसी तरह से इसको ये साइड जोड़ लेना है। ये हमारा पॉकेट का गला रेडी हो गया और इसमें एक चैन आपको गोला ऐसा लगा लेना है। तो
चैन लगा लेना है, कपड़ा नीचे चैन ऊपर। चैन लग गया, इसके बाद ये छोटा वाला पॉकेट को इसमें घुमा देना है। घुमाने के लिए आप इसको यहाँ से बराबर कर लीजिए, बराबर करके यहाँ से चैन को ऐसे मिला लीजिए। उसके बाद जो चैन बढ़ता है बढ़ने निकाल करके एक सिलाई मार लेना है, स्टेप बाय स्टेप फ्रंट हमारा तैयार होते जाएगा। ये देखिए ये कुछ कुछ तैयार हो चुका है। अब इसमें भी एक बीट आपको लगा लेना है दोनों साइड, दोनों साइड बीट लगाने के लिए फिर उसी तरह से थोड़ा सा बीट को निकाल के काट लो, काट लिया उसी तरह फिर यहाँ से बीट इसमें लगा लेना है। दोनों साइड दोनों साइड बीट लगकर रेडी हो गया। उसके बाद ये वाला डिजाइन लेना है, एक एक इधर स्टिच कर देना है और एक इधर स्टिच कर देना है। तो हम स्टिच कर देते हैं ऑयल लगा करके। एक तरफ हो गया, इधर भी वैसा ही स्टिच कर देना है। ये देखिए अपने आप फ्रंट सेफ बनते जा रहा है। उसके बाद ये वाला पट्टी लेना है इसमें लगाने के लिए, उससे पहले इसमें एक बीट लगा लेना है। दोनों तरफ से बराबर करके जितना निकलेगा निकाल देना है और एक सिलाई मार लेना है। ये देखिए उसका था, ये हमारा पैकेट रेडी हो गया। उसके बाद इस तरह से हमने फरवा बना रखा है इसको राउंड निशान मारने के लिए। तो आप इसमें एक कट लगा हुआ है, इसमें भी एक कट लगा लीजिएगा और दोनों कट को मिला करके हल्का सा कपड़ा बाहर निकलना है। देख लीजिएगा साइज निकाल करके एक निशान लगा लेना है बीट मारने के लिए। ये हो गया। उसके बाद एक इसका स्टिकर लेना है और इसको बीच बीच में ऐसे स्टिच कर लेना है। स्टिकर में भी ऑयल लगा लीजिएगा ताकि सिलाई आपको बेहतर होगा। तो स्टिकर भी सिलाई कर लेते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट 50% फ्रंट तैयार हो चुका है। एक अस्तर ले लेना है इसके नाप का। अस्तर लेने के बाद ये निशान मारे हैं, इसमें बीट लगा लेना है। बीट लगाने से पहले इसमें एक कुंडा 8 नंबर का समा लेना है। कुंडा समा लेता हूँ। उसके बाद इसमें चारों साइड बीट मार देना है। उसके बाद छाट लेना है। ये छोटा वाला पैकेट का एक गला जो बनाए थे पहले, एक गला ले लेना है और उस गला में सबसे पहले एक 8 नंबर का बढ़िया वाला कुंडा डाल देना है। तो कुंडा हम डाल लेते हैं। उसके बाद
ये एक पट्टी लेना है, दो ठो 6x2.5 इंची का, ये दोनों साइड में स्टिचिंग कर लेना है, एक इधर और उसका एक दूसरा साइड में। तो स्टिचिंग कर लेते हैं, एक इधर भी डबल सिलाई मार लीजिए ताकि मजबूती बढ़ जाए। उसके बाद ये सेंटर के हिसाब से यहाँ पर एक निशान लगा देना है, और इसमें भी एक बीच में सेंटर का निशान लगा लेना है। ये सेंटर का निशान और ये सेंटर का निशान, दोनों को मिला करके एक सिलाई मार लेना है। ऐसे नाप लीजिए, नापने के बाद जो बढ़ रहा है उसको निकाल दो, उसके बाद एक सिलाई मार लो। ये हमारा पैकेट हो गया है। उसके बाद ये वाला पट्टी इसमें लगा लेना है। लगाने से पहले एक इसमें बीट लगा लीजिए, तो बीट हम लगा लेते हैं। चलिए बीट इसमें लगा लेते हैं। ये हमारा हो गया। उसके बाद नीचे ऐसे मिला करके स्टिच कर लेना है, दोनों साइड बराबर करके, इधर उतना ही निकाल देना है और इधर उतना ही निकाल देना है। दोनों साइड निकाल करके एक सिलाई मार देना है। जो बढ़ रहा है उसको काट दो। अब इसके नाप का एक अस्तर लेकर के चारों साइड बीट मार देना है। तो अस्तर ले लेता हूँ, एक अस्तर ले लेना है। अस्तर को रख करके, पैकेट को रख करके इसमें गोल सा बीट मार लेना है। बीट मार लेते हैं। फ्रंट तैयार हो गया। अब यस्तर को इस तरह से छाट लो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ हो सके लाइक कीजिए। अब ये वाला गला को मिला के नापना है, गोले गोले घुमा करके नाप लो। यहाँ तक आया, उसके बाद फिर इसको लेना है, जहाँ ख़त्म हुआ वहीं से मिलाना है। उसके बाद इसको हटा दो, उसके बाद फिर इसको नाप लो। यहाँ तक नापे थे, यहाँ तक नापे थे, यहाँ से मिला देना है। उसके बाद एक बार और मिला देना है, तीन फोल्ड कर लेना है। तीन फोल्ड करने के बाद जितना बचेगा वहाँ पर एक सेंटर का निशान लगा दो। इतना सेंटर का निशान लगाए हैं, इतना ही हमारा दबेगा, इतना ही सिलाई होगा। तो इसको और इसको मिला करके एक सिलाई कर लेना है। रेडी, सिलाई लगा दो इसमें, एक सिलाई मार दो। ये जॉइंट ले लेना है और ये जॉइंट ले लेना है। दोनों जॉइंट को मिला करके, जॉइंट जोड़ मिला करके उसके बाद घुमा लेना है। इजीली घूम जाएगा। हो गया। अब इसको कवर करना है। कवर करने के लिए फिर यहाँ से स्टार्ट करना है और चाइना वाला पैपिन ले लेना है और फिर इसको यहाँ से कवर कर लेना है। कवर हो गया और हमारा फ्रंट तैयार हो गया। ये देखिए, ये वाला बैग का फ्रंट तैयार हो चुका है। फ्रंट बैग नहीं, बैग सारा बैग का सेम ही रहता है, जो भी है फ्रंट है। तो इसीलिए मैं आपको फ्रंट तैयार करके दिखा दिया हूँ। अगर आपको ज़रा सा भी इस वीडियो से नॉलेज मिला है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि फिर मिलते हैं आपको।